अलग ही। देखो गदर वान भी आए थे तभी लगन ने टक्कर मारी थी, और लगन भी चली थी और गदर भी चली थी, दोनों चली थी। हाँ इतिहास दौड़ा दिया वापस से, वही जोन मतलब 2001 का दौर है, तो मेरे को तो दौर पता ही नहीं था, मैं बहुत छोटा था, पर वो दौर मैंने अभी लाइव देखा। मतलब हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों आज डे टू है दोस्तों OMG 2, और आपको बता दूं कि फर्स्ट डे कलेक्शन 10 करोड़, सेकंड डे कलेक्शन दोस्तों 15 करोड़ रुपया है ये इसकी। तो दोस्तों सेकंड डे इसकी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टॉम भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है, फाइनली OMG 2 का जो कलेक्शन है सेकंड डे उछाल मारी है और अच्छी खासी बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। तो चलिए इस पर चर्चा करने की आपसे कोशिश करते हैं। तो ओ माय गॉड का मेरा कल का वीडियो आपने देखा था, जो कलेक्शन की मैंने बात किया था कि ओके कलेक्शन आया था कुछ 10 करोड़ के आसपास आया था, बट जिस तरह से सैटरडे का कलेक्शन मैंने देखा, जिस तरह से 2 गुना ज़्यादा कमाया, मतलब 26 करोड़। हालांकि 26 करोड़ फर्स्ट डे होनी चाहिए थे, पर ठीक है कोई बात नहीं। सेकेंड डे में जिस तरह से पकड़ा है पिक्चर ने 16 करोड़, और आज का दिन का तो मिला कि अच्छा ही खासा कलेक्शन है, क्योंकि आपने मेरा रिव्यू तो देखा ही रहेगा ओ माय गॉड का, सेकेंड टाइम वॉच में देखने आया था। तो सच में ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार को वही जोन वापस आया है, वही पब्लिक आई देखने को। और पब्लिक किस लिए आई पता है, एक पुरानी मूवी का सीक्वल का टाइटल देख के, क्योंकि जिस तरह से पार्ट वन ओ माय गॉड था, लगी थी पब्लिक तभी भी थी, सिटी ताली मार के एंजॉय करके गई, वही टाइटल का नाम सुन के इसलिए। तो जिस तरह से आप लोगों ने पसंद किया था पार्ट वन, तो वही जोन पार्ट टू, और पब्लिक सीक्वल देख के ही आई। मतलब मैं इतने टाइम से बोल रहा था अक्षय कुमार के कुछ सीक्वल लेके आओ, कुछ लेके आओ, हेरा फेरी 3 लाओ, हाउसफुल लाओ, कुछ तो लाओ, पर अक्षय पाजी हमारे ओ माय गॉड 2 लाए और पब्लिक को खींच के लाए। यह अभी अक्षय कुमार अभी देखेगी ना कि पब्लिक आई थिएटर में, वो खुद समझ गए कि क्या चाहिए ऑडियंस को, क्या चाहिए। हालांकि पिछला रक्षाबंधन भी बहुत अच्छी थी, पर पृथ्वीराज बना के गलती की और बच्चन पांडे बना के गलती की। राम सेतु फिर भी ओके था, रियल स्टोरी था, मतलब रियल कॉन्सेप्ट था, वही सब ये बताए, पर पब्लिक नहीं आई थी देखने। बट इस बार सेल्फी भी रीमेक टेस्ट पर भी पब्लिक ने, पर पब्लिक ओ माय गॉड क्यों आई, ये आंसर तो अकिया के हर एक फैंस को पता है कि एक सीक्वल के लिए आई। और अक्षय कुमार प्लस इतने टाइम के बाद दिख रहे स्क्रीन पे, और अक्षय कुमार के डेडिकेशन दिखा, जिन्होंने पिक्चर देखा उनको पता है क्या डेडिकेशन दिखा है उन्होंने, फुल अवतार में फुल कैरेक्टर में घुस के। और कलेक्शन के मामले में बात करूँ, कलेक्शन इज माइंड ब्लोइंग। से 2 दिन का कलेक्शन मिला के अच्छा कलेक्शन है, आज का दिन का मिला के 40 करोड़ क्रॉस हो गया। बाकी जो बजट है पिक्चर का मेरे को उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि अक्षय के फिल्म को मैं गिनता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही प्रोडक्शन है, उनकी ही प्रोडक्शन है, तो वो तो अपना पिक्चर का प्रॉफिट ही लेंगे जो भी कमाएंगे बस बजट। क्योंकि लोग बोलेंगे अक्षय की फीस ज़्यादा इसलिए बजट ज़्यादा है, और अक्षय की फीस कहेगी भाई, तो वो खुद ही प्रोड्यूसर है पिक्चर के, तो काई की फीस, कहीं ना कहीं गदर 2 के सामने इतनी बड़ी टक्कर देना बहुत। यस यस, अलग ही देखो, गदर 1 भी आई थी तभी लगन ने टक्कर मारी थी, और लगन भी चली थी और गदर भी चली थी, दोनों चली थी। हाँ इतिहास दौड़ा दिया वापस से, वही जोन मतलब 2001 का दौर है, तो मेरे को तो दौर पता ही नहीं था, मैं बहुत छोटा था, पर वो दौर मैंने अभी लाइव देखा। मतलब मेरे तो 2001 का दौर हो गया, ऐसा लगा ओ माय गॉड लगन की जगह पे ओ माय गॉड लगी। यस, मैं अपने बेटे को बोला हमारे ज़माने में ऐसा था, मेरा पप्पा ने मेरे कहा हमारे ज़माने में गदर लगे थे और लगन लगी थी, हम लोग गदर गए देखने को, लगन में गए देखने को, बहुत मज़े किए थे। अभी मैं मेरे हम लोग ओ माय गॉड भी गए थे, गदर तो भी गए थे, मचा किया है फुल। तो वही इतिहास वापस दोहराया है। और जब जब सनी पाजी किसी का क्लैश भी करते, तो ऐसा नहीं कि सामने वाले पिक्चर की फूस हो जाए, उसकी कलेक्शन भी अच्छी हो जाती है। आपने कभी भी देखा रहेगा, कोई भी मूवी क्लैश होती है तो अच्छी खासी कमा लेती है दोनों। तो अच्छा बात है, अक्षय कुमार की फिल्में इतनी चली आगे, कलेक्शन आगे, अभी बस देखते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस डे तक कितनी आगे बढ़ती है मूवी, क्योंकि कल मंडे है और मंडे का पता नहीं क्या जोन रहेगा, पर ट्यूसडे को पिक्चर वापस पकड़ेगी, क्योंकि 2 दिन छुट्टी आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे और पारसी न्यूयॉर्क का। तो मतलब अच्छा खासा देखते हैं अभी क्या है कैसा है, बस वेट करते हैं कलेक्शन का। मैं विशेष तो बहुत अच्छा पूरी टीम को दूंगा, अच्छी एक कॉन्सेप्ट लेके आए पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, और ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब बॉलीवुड को, जो लोग बोलते हैं ना कि बॉलीवुड कुछ दिखाते नहीं है, बस कुछ ना कुछ ट्रोल करते हैं, हिंदुज़म पे ट्रोल करते ये करते, पर ये ऐसी मूवी है जो बॉलीवुड ही कर पाई। देखो अच्छा खासा टॉपिक देखे गई, अच्छी खासी मैसेज देखे गई, तो पूरी टीम को बेस्ट ऑल ओवर। अक्षय कुमार को बोलूँगा शिव भक्त आपके साथ थे, इसलिए देखो आपका कमबैक अच्छा हुआ, ये मैं बोलूँगा।